नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भीम टीवी में। मैं हूं योगेश थस्पारा। तो आज क्या रहा देश दुनिया में, सब कुछ बताएंगे आपको सिर्फ चंद मिनटों में। जुड़े रहिए जय भीम टीवी के साथ। सरकार जो है कह रही है कि हमें पैसे दो, कहाँ से देंगे राजस्व? अपना घर बेच के अपने बच्चों की किडनी पिटनी गिडवी रख के देंगे क्या सरकार को? कहाँ से देंगे? मुख्यमंत्री जी हैं। देखिए, हम मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे, नीति तो नीचे से बन के जा रही है ना। जब ज्वाइंट कमिश्नर को पूरी नीति बनानी चाहिए थी, ज्वाइंट कमिश्नर ने अपने कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को फायदा दिलाने की वजह से सारी नीति बना रहे हैं। सुना आपने, ये वो शराब कारोबारी हैं जो आज कह रहे हैं कि जब लॉकडाउन और टूरिस्ट की कमी के चलते उनकी दुकान में बिक्री ही नहीं है तो स्टॉक में रखी शराब किसको पिलाएं, शराब पर चुकाने वाला चार्ज भी वो कहां से दें। आबकारी विभाग की नीतियों और अधिकारियों की मनमर्जी के चलते देहरादून के शराब व्यापारी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी दुकानों में कोई सेल नहीं हो रही है। ऐसे में टैक्स देने का भी अब इंतजाम नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सरकार की बेरुखी उन्हें शॉप बंदी पर मजबूर कर रही है। तो है, हम लोग के पास मासिक कोटा, दुकानों का कोटा बहुत है और कोटा हम लोग कम करने के प्रयास में है कि जो दिन दुकान भी बिक्री हो उतना अधभार लिया जाए और वो पैसा लिया जाए जी। अभी नुकसान बहुत हो रहा है, बिक्री आ नहीं रही है तो हम लोग अधिभार जमा करने की स्थिति में नहीं है। जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अपेक्षा है कि जल्दी से जल्दी इस मामले में निर्णय लें और हम लोगों को इस जो कर्ज की स्थिति है, जो समस्या है, उससे छुटकारा दिलाएं। सरकार के पास क्या योजना है? सरकार ने जो रोज फैसले ले रही है वो क्यों नहीं हम लोगों के हित में फैसले ले रही है? उद्योगपति किस आधार पर उनको दाम लगाएंगे सरकार पर? सरकार ने हमारे पिछले पैसे वापस नहीं दिए, पिछले पैसों पर कोई नीति नहीं बनाई, नए उसमें जो पैसे उन्होंने हमसे ले लिए हैं, जो हमने पहले महामारी दैवी आपदा से पहले जो हमने ठेके लिए थे, आज हम जब सरकार से कह रहे हैं कि हमारे सारे ठेकों के जो पैसे हैं उसको आप अपने हैंडओवर ले लो, टेक ओवर ले लो, हमें तो हमारी सेल का खाली 5% प्रॉफिट दे देना। में सरकार जो है कह रही है कि हमें पैसे दो, कहाँ से देंगे राजस्व? अपना घर बेच के अपने बच्चों की किडनी पिटनी गिडवी रख के देंगे क्या सरकार को? कहाँ से देंगे? मुख्यमंत्री जी हैं। देखिए, हम मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे, नीति तो नीचे से बन के जा रही है ना। जब ज्वाइंट कमिश्नर को पूरी नीति बनानी चाहिए थी, ज्वाइंट कमिश्नर ने अपने कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को फायदा दिलाने की वजह से सारी नीति बना रहे हैं। करोड़ों रुपए महीने का राजस्व देने वाले ये वीआईपी दुकानें बंद हैं। ताला लगाकर व्यापारी सरकार और आबकारी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हमारी हालत का जिम्मेदार है अधिकारी, उसमें भी ज्वाइंट कमिश्नर, जो सारी नीति गलत नीति को बनाकर सरकार को गुमराह कर रहे हैं। इससे न तो सरकार को राजस्व दिया जाएगा न कुछ। और जब प्रभाष शंकर मिश्रा के खिलाफ जांच बैठ सकती है तो नीति जिन्होंने बनाई है या जिन्होंने जो आज सरकार को नीति बना के दे रहे हैं, जिनका सारा जीवन इसमें बीत गया, क्यों ना उनके खिलाफ जांच की जाए। दूसरी चीज, मैं सबसे बड़ा मुद्दा आपको बताता हूं, स्पष्ट जब नीति बनी थी उस स्पष्ट नीति में लिखा हुआ था कि जो दुकानें नहीं उठी उनको दो खंडों में तोड़ के जो दुकानें उठाई जाएंगी, क्यों नहीं अभी तक? उसमें तो कैबिनेट का फैसला नहीं होना था, उसमें तो ज्वाइंट कमिश्नर के आधार पर दो खंडों में तोड़ के दिया जाना था, क्यों नहीं किया जा रहा है? स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जग जाहिर है कि सारी नीति ज्वाइंट कमिश्नर बना रहे हैं और जो भी तर्ज पर सरकार काम कर रही है ज्वाइंट कमिश्नर के, इससे उनके खिलाफ जांच बैठाई जाए। हमारी दुकान का कोटा कम करके जितना काउंटर पर शराब बिकेगी उसका हम अधिभार जमा करें, ऐसी नीति बनाई सरकार।